दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के बाद अब मुस्लिम समाज ऐसे मुस्लिम युवकों के खिलाफ एकत्रित हो चुका है जो हिंदू वेश बनाकर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में उनकी हत्या कर देते हैं। सहारनपुर में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने सहारनपुर के डीएम को एक ज्ञापन सौंपकर ऐसे मुस्लिम युवकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने ही समुदाय के उन युवकों को चेतावनी भी दी कि यदि वो किसी हिंदू युवती का शोषण करेंगे तो समाज के लोग उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ने दिल्ली में एक हिंदू लड़की साक्षी को बेरहमी से कत्ल किया है और तकरीबन 15-16 उसको चाकू मारे हैं, और इसको देखते हुए हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। इससे पूरा इस्लाम और पूरा मुस्लिम समाज शर्मसार हुआ है। इस मसले पर हमने आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलने की मांग की, ताकि पूरे देश में इस तरह का गंभीर कोई मामला फिर से सामने ना आए जिससे इस्लाम को, मुस्लिम समाज को, ये पूरी इंसानियत को फिर से शर्मसार होना पड़े। देखिए, इस्लाम में कत्ल के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। कुरान ने कहा है, फकान्नमा कतलन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ। गोया के एक इंसान ने किसी इंसान को कत्ल किया, गोया के उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और गोया के एक इंसान ने एक इंसान की जिंदगी बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा ली। साहब, इसको धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? अपराधी अपराधी होता है? देखिए, हमारे लोग, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, नहीं मालूम इन लोगों का कैसा मिजाज है, ये लोग इस्लाम को किस नजरिए से देख रहे हैं, इस्लाम को ये आतंक के नजर से देख रहे हैं या आदर्श की नजर से देख रहे हैं, इसका अभी जिस तरह चाहे वो उवैसी साहब हो या उलमाए देवबंद हो या और उलमाए किराम हो, जब कोई दूसरा मामला सामने आता है, दूसरी तरफ से शुरुआत होती है, तब ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं और सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। लेकिन नहीं मालूम जब इतना बड़ा गंभीर अपराध इस देश में हुआ है, एक हिंदू लड़की को 16 चाकू मारे गए, क्या इन लोगों की जबान नहीं खुली? मैं पूछना चाहता हूं इन सब लोगों से, क्या साक्षी किसी इंसान की बेटी नहीं थी? क्या कुरान में इंसानियत के मुतालिक कुछ आया नहीं? कुरान ने तो कहा है, अशरफुल मखलूकात लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीन, कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। उसमें ये नहीं कहा गया कि मुसलमान को खूबसूरत बनाया या मोमिन को खूबसूरत बनाया, बल्कि इंसान को खूबसूरत बनाया। उस इंसान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है और उसके बाद ये सब लोग खामोश हैं, ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम पूरे मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को, कि मेहरबानी करके हमारी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, कि आप लोग अपनी मुस्लिम पहचान को छुपा करके, हाथ में कड़े पहन करके हिंदू लड़कियों से दोस्ती ना करें, उनको बहला फुसला कर उनका शोषण करके उनको कत्ल ना करें। इससे इस्लाम को भी बदनामगी का शिकार होना पड़ता है और पूरी इंसानियत शर्मसार होती है।